हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज समझाएंगे। इनके भिन्नों के क्या गुण होते हैं ये जानने जरूरी होते हैं अगर हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश यानी कि न्यूमिनेटर 0 हो तो उसका मान 0 ही होगा, है ना। जैसे 0/9 कुछ भी हो, पर 0 होना चाहिए, नीचे कोई भी डिजिट हो तो इसका मान 0 ही होगा। किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं हो सकता, जैसे 8/0 तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 8 ही रह गए, भिन्न नहीं, साधारण नंबर हो जाएगा। तो कभी भी तो भाई किसी भी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन ही नहीं होने की जिसका हर यानी के डेनोमिनेटर 0 हो, वो फ्रैक्शन ही नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी भिन्न को, भिन्न के अंश व हर को एक संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, अलग अलग से नहीं। देखो, ये न्यूमिनेटर है, वो डेनोमिनेटर है, तो अगर हमें ना मल्टीप्लाई करनी एक फ्रैक्शन को, तो हम एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा ऊपर भी 6 से करी, अंश को भी और हर को भी 6 से करी, है ना भाई। 10/15 है, इसे 7 से ही करी, ऊपर नीचे दोनों को 7 से करी, है ना। डिवाइड करा तो 2 से ही करा, 8/16 को हमने 2 से करा, अंश को भी और हर को भी, यानी कि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को दोनों को एक ही से ही करेंगे। 5 से डिवाइड करो, ऊपर भी नीचे भी, है ना। अब यहाँ 10/18 लिखा हमने, और ऊपर लोग तो कर दिया 6 से, नीचे कर दिया 3 से, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप, एक से ही करना। मान लीजिए, ये सोच लो भाई, एक नजरिए से दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक ही चीज लेते हैं, दूसरी नहीं पसंद है ना, जो एक लेगा वही दूसरी लेगा, दूसरा भी वही चीज लेगा जो पहला पहले वाले लेगा, जो अंश लेगा वही डेनो हर लेगा, जो न्यूमिनेटर लेगा वही डेनोमिनेटर लेगा, अलग अलग से इन्हें पसंद नहीं है, दोनों भाइयों को एक जैसी चीज पसंद है, तो ये गलत है। हम यहाँ 4 से करी थी, यहाँ 6 से करी, तो ये गलत है। तो एक से ही डिवाइड करना अंश और हर को। किसी भी भिन्न को किसी भी संख्या से गुणा व भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता। तो जैसे 10/15 है, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 20/30 आ गया, है ना, तो इसका मान नहीं बदलेगा, है ना। अगर आप इन्हें इनके लोवेस्ट टर्म में करें, है ना, देखो ये 5 से हो जाएगा 2, और 2/3 आ गया लोवेस्ट टर्म में, तो इसका भी आंसर यही आएगा। 10 तक काट दो, 10 2 20 और 10 3 30 आया ना दोनों का एक ही, तो इनका जो मान हुआ है वो नहीं बदलता। जो इसी तरह डिवाइड कर लो, 6 मल्टीप्लाई कर लो किसी भी संख्या से। अब 30 और 40 को हमने 5 से करा डिवाइड, तो क्या आगा, 6 और 8 आगा, है ना। तो अगर हम इसे लोवेस्ट टर्म में करें तो हम इसे 10 से कर देंगे, 3/4 आ गया, और हमेशा अब इसे भी 2 से कर देंगे तो 3/4 आ गया, तो दोनों का आंसर आया ना एक ही, तो इनका मान नहीं बदलता, चाहे हम डिवाइड करें किसी भी संख्या से या फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। किसी भी संख्या को 1 से गुना और भाग करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, 1 से करने पर वही भिन्न प्राप्त होती है जिसे 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड या गुना या भाग करते हैं। जैसा 2/5 है, तो हमने इसे 1 से करा, 2 1 जा 2, डेनोमिनेटर सेम को सेम रहेगा। अब भाई 8/10 को डिवाइड करा, तो जो इधरली संख्या है राइट हैंड वाली, उसे हम रिसिप्रोकल कर दें, है ना, यानी कि यह अनुमान लो इसके नीचे 1 लिख दें, इसके नीचे 1 मान लें, तो और फिर इसे
जब रिसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई में बदल जाएगा चिन्ह, है ना। तो ये मल्टीप्लाई में बदलगा, तो 8 1 जाए 10 1 जाए 10, तो देखो आई ना यही संख्या। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम वही भिन्न प्राप्त होगी। ओके स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी। जैसा कभी कभी कोई 1 से ही दे दे, है ना, ये 0 से दे दे, है ना, तो उसमें ये बातें काम आती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम अब काइंड ऑफ द फ्रैक्शन आपको समझाएंगे कि फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है सीखना। क्योंकि जब आंसर आता है ना लास्ट में, तो उस टाइम हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी फ्रैक्शन है ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्सड है, है? या प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कौन सी है। तो उस समय आंसर में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आ सकता। ठीक है जी।